इंटरफेस इन जावा, जावा के अंदर इंटरफेस क्या होते हैं, इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या अंतर होता है, दोनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इंटरफेस में हम वेरिएबल और मेथड्स बनाते हैं, इंटरफेस में हम वेरिएबल और मेथड बनाते हैं, मतलब ये क्लास के जैसे ही होते हैं, लेकिन इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। जो वेरिएबल और मेथड हम इंटरफेस में बनाते हैं उनका यूज हम नॉर्मली क्लास में करते हैं। ओके, नॉर्मली क्लास में जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं उनका यूज हम एक्सटेंड करके क्लास में करते हैं, वैसे ही इंटरफेस का यूज भी हम नॉर्मली क्लास में करते हैं, मतलब ज्यादातर क्लास में करते हैं। ओके, जैसे कि मैं नेटबिन ओपन कर लेता हूँ, सबसे पहले जानते हैं इंटरफेस कैसे बनाए जाते हैं। आपको लिखना होगा इंटरफेस कोई नेम कर्ली ब्रैकेट, जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे इंटरफेस हम बना सकते हैं। इंटरफेस को आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो हम ऐसे बनाते हैं इंटरफेस, इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इसका क्या यूज होता है, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज होता है क्लास के अंदर, वैसे ही इंटरफेस का यूज होता है, तो वो आगे हम जानते हैं। इंटरफेस को क्लास में यूज करने के लिए हमें इंप्लीमेंट का यूज करना पड़ता है। पॉइंट नंबर वन, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, क्लास जिसका नाम बी रख लिया, अगर मैं इस इंटरफेस को इस क्लास में यूज करना चाहता हूं तो मुझे इंप्लीमेंट करना होगा, इंप्लीमेंट्स ए। इंटरफेस की क्या खास बात है, हम इसमें क्लास के अंदर एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस जिसका नाम सी, अगर मैं यहाँ पर कोमा लगाकर सी लिखता हूँ, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्लास के अंदर हम जितने चाहे इंप्लीमेंट वर्ड यूज करने के बाद एक साथ, यानी एक साथ हम यहाँ पर जितने चाहे इंटरफेस यूज कर सकते हैं, जबकि हम अगर इसमें क्लास यूज करना चाहें, अगर मैं इंटरफेस की जगह यहाँ पर क्लास लिखता हूँ, क्लास, और यहाँ पर भी क्लास लिखता हूँ, तो हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंड, लेकिन ये लिख सकते हैं सी लिखना चाहे नहीं लिख सकते, तो ये फायदा हमें मिलता है इंटरफेस में। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंटरफेस को इंटरफेस में यूज करने के लिए हम एक्सटेंड्स का यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्लास की जगह ये इंटरफेस है, इंटरफेस सी को भी मैं बनाता हूँ इंटरफेस, अगर क्लास बी भी इंटरफेस होती, इंटरफेस इंटरफेस बी में अगर एक्सटेंड करना हो इस इंटरफेस को, तो इंप्लीमेंट हम यूज नहीं करेंगे बल्कि एक्सटेंड वर्ड यूज करेंगे, और इसके अंदर ए और सी, अभी भी कोई एरर नहीं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक से ज्यादा इंटरफेस को, जबकि अगर हम क्लास की बात करें तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं ओनली वन क्लास को या वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, लेकिन इंटरफेस के अंदर हम मल्टीपल मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये डिफरेंस होता है क्लास में और इंटरफेस में। अब क्लास में और इंटरफेस में डिफरेंस जान लेते हैं। इंटरफेस में जो वेरिएबल होते हैं वो ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप पब्लिक स्टैटिक प्राइवेट फाइनल प्रोटेक्टेड आदि वेरिएबल बना सकते हो। ओके, इसके बारे में जानते हैं, पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, क्लियर, दोबारा फिर से बनाते हैं इंटरफेस ए, और फिर यहां पर बनाते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉर्मल क्लास बनाओ या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, यह आपको अंतर बताने के लिए है, इसका नाम रखता हूं बी। इसके अंदर जैसे मैं कोई वेरिएबल बनाता हूं इंट, इंट एस इज इक्वल टू 5। ओके, इसके अंदर मैं बनाता हूं इंट वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस वेरिएबल में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल है, यहाँ पर हम यूज करके देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको प्रूफ देता हूँ मेन क्लास के अंदर। देखो स्टैटिक क्या होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट हम नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसको हम डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम आउट प्रिंटलन, सिस्टम आउट प्रिंटलन,
प्रिंट एल एन, इसके अंदर क्या लिखता हूं एस मतलब ए डॉट एस, कोई एरर नहीं है, इसको मैं रन भी करा के दिखाता हूं, रन करा के दिखा रहा हूं, रन हो रहा है ठीक है। अब मैं प्रूव करता हूं, मैंने प्रूव किया ये पब्लिक तो है क्योंकि यहां पर पब्लिक मेन क्लास में यहां पर ये यूज हुआ। ओके पब्लिक ऑटोमेटिक है, स्टैटिक भी मैंने प्रूव कर दिया, स्टैटिक में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट रन करा सकते बिना ऑब्जेक्ट के। फाइनल भी प्रूव करता हूँ, ये फाइनल है, तो क्या होगा हम लिखते हैं ए डॉट एस इज इक्वल टू 4, मतलब इसकी वैल्यू मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एस, ये मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा फाइनल, ये यहाँ पर नहीं लिखा, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैंने कर दिया कट, इसके सामने लिखता हूं तो ठीक है। ओके मैं कुछ हटा भी देता हूं, फिर भी फाइनल हटा दिया मैंने, अभी भी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है इसके सामने चाहे आप लगाओ या ना लगाओ ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। अगर मैं इसका कोई ऐसा ही वेरिएबल बनाना चाहूं बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बी डॉट वाई, और यहां पर लिखना चाहूं ए डॉट वाई, मतलब बी डॉट वाई, ए डॉट वाई नहीं, क्लास का नाम बी है बी डॉट वाई। तो अब क्या है इसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये ओनली पब्लिक है। देखो मैं इसके सामने लगाता हूँ पब्लिक, ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर मैं इसके सामने स्टैटिक और लगा देता हूँ स्टैटिक, देखो अभी सिर्फ बिना ऑब्जेक्ट के ये रन हो रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब मैं फाइनल लगा देता हूँ, देखो अब ये एरर है, मतलब फाइनल में वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो डिफरेंस समझ में आया, इंटरफेस में जो वेरिएबल होते हैं वो ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल तीनों चीजें उसके सामने होती हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम पब्लिक स्टैटिक प्राइवेट फाइनल एक एक वर्ड भी अपने वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरफेस में जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक प्राइवेट डिफॉल्ट हम बना सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड बना सकते हो। ओके एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड होते हैं उनकी कोई बॉडी नहीं होती, ओके ये एक डिफरेंस होता है, बाकी जो भी आप मेथड बनाते हो नॉर्मली आप सभी मेथड पिछली वीडियोज में बना चुके हो, उनमें बॉडी होती है और उनका यूज भी आप जानते हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ओनली दोनों क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि इसको कर दे कट, यहाँ पर मैं इसको भी कट कर देता हूँ, यहाँ पर हम मेथड बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्या नाम लिखे वर्ड वी, यहाँ पर देखो मैंने बनाई बॉडी एरर, यहाँ पर क्या दिखा रहा है इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी, इसको करता हूँ कट, मतलब यहाँ पर आप इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो जैसे कि मैंने किया, वैसा ही आप कर सकते हो क्लास में। जैसे कि मैं लिखता हूं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड वी के बाद यू लिखते हैं, वी के बाद यू नहीं आता, मतलब मैं यू लिखता हूं, अगर मैं इसमें इसका नाम हमने इसका नाम दिया यू और इसका नाम दिया वी, यू वी डब्ल्यू मतलब यू और वी। ओके हमने इसके अंदर बनाई बॉडी, इसमें भी एरर बता रहा है, एरर क्या कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डिफरेंस। हमने एब्स्ट्रैक्ट वाली वीडियो भी देखी थी, उसमें हमने इतना जान लिया था एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नॉर्मली यूज हम डिक्लेरेशन के लिए करते हैं। ओके डिक्लेरेशन के लिए करते हैं, अगर हम इसको कहीं पर भी एक्सटेंड करना चाहें, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर स्पेस कम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, अब क्लास जिसका नाम सी रखते हैं, सी एक्सटेंड्स, एक्सटेंड करेगी वो बी क्लास को और फिर इम्प्लीमेंट्स करेगी ए को। अब इसमें सी में एरर आ रहा है, सी में एरर क्यों आ रहा है, अगर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हो और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको ये जो यहाँ पर मेथड डिक्लेयर किए गए एब्स्ट्रैक्ट वाले इनको यहाँ पर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं पब्लिक, पहले हम करते हैं वी वाला इंटरफेस का पब्लिक वर्ड, सेम नेम आपको देना होगा। ओके देखो अब यहाँ पर हम इसकी बॉडी बना सकते हैं,
ओके, इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये डिक्लेरेशन के लिए होते हैं। अभी भी एरर नहीं गया, क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड यू, एरर खत्म। ओके ठीक है, ऐसे करते हैं हम इसको डिक्लेयर। इसके अंदर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो। ओके ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर ये नेम सेम ना लिखे तो क्या होता। मैं व्यू वन यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर से एरर क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये अब्स्ट्रैक्ट जो मेथड होते हैं वो होते हैं ओनली डिक्लेरेशन के लिए। ओके अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं रन करा के देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। सी सी वन इज इक्वल टू न्यू सी, कुछ नहीं लिखते हम, डायरेक्ट इसको रन कराएंगे, रन सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं। बाकी प्रैक्टिस करो आप रन सक्सेसफुली। अगर ये अब्स्ट्रैक्ट की जगह और कोई मेथड होते जैसे कि स्टेटिक होते, स्टेटिक उसकी हम बॉडी बना सकते हैं, बस अब्स्ट्रैक्ट की हम बॉडी नहीं बना सकते। देखो अब इसकी बॉडी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर भी कुछ भी ये क्लियर करने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पर हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस अब्स्ट्रैक्ट में, अगर अब्स्ट्रैक्ट में जो मेथड आपने डिक्लेयर कर दिया अभी ये मेथड हम बनाएंगे तो जो क्लास इसे एक्सटेंड करेगी इम्प्लीमेंट करेगी उसको भी वो मेथड लिखना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाती है। बाकी जितने भी मेथड उन सभी का आपको पता है और उनका यूज आप जानते हो। तो इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड में क्या अंतर होता है? इसमें प्रोटेक्टिव भी है आपके पास ऑप्शन, ओके, और इसकी में आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन इंटरफेस में आपको थोड़े कम ऑप्शन मिल जाते हैं। एक और बात का ध्यान रखें, अब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक और डिफॉल्ट के सामने ऑटोमेटिकली जब आप कोई प्रोग्राम के सामने लगाते हो पब्लिक भी होता है, ऑटोमेटिकली पब्लिक भी होता है लेकिन प्राइवेट में नहीं होता। पहले क्या होता था, जो पहले जावा था, जैसे जावा का 8 के बाद ये फंक्शन हुआ, पहले इंटरफेस में ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम बना सकते थे लेकिन अब ये फंक्शन ज्यादा हो गए हैं, जैसे स्टैटिक प्राइवेट डिफॉल्ट आप बना सकते हो। ओके अब बात करते हैं इंटरफेस में हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसे पता है काफी स्टूडेंट को पता है पहले से ही जो रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी, स्टार्टिंग से जावा कर रहे हैं, जो न्यू है उन्हें नहीं पता तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इंटरफेस है, मैं यहाँ पर ए जो इंटरफेस का नेम होता है उसके द्वारा हम लिखना चाहें तो हम उसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कोई भी जैसे यहाँ पर मेथड बनाया है मैंने, मतलब कंस्ट्रक्टर बनाया इसको मेथड नहीं कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर भी बनाया बी और फिर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर बन सकता है कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर नहीं, यह होता कंस्ट्रक्टर। ठीक है अब इंटरफेस में और अब्स्ट्रैक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, क्या पता जावा की आगे और अपडेट आए जिसमें हमें कंस्ट्रक्टर का भी ऑप्शन मिल जाए। अब हम लेटेस्ट जावा जैसे 12 पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 11.2 अभी अपने जेडीके में डाउनलोड किया हुआ है, तो जैसे जैसे अपडेट आती रहती हैं पीछे कुछ फंक्शन ज्यादा एक्सटेंड मतलब ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे इंटरफेस में अब्स्ट्रैक्ट की, अब पहले अब्स्ट्रैक्ट था अब स्टैटिक प्राइवेट डिफॉल्ट भी हमारे पास है। अब अब्स्ट्रैक्ट में और इंटरफेस में सबसे ज्यादा डिफरेंस जो मतलब जो बेटर है वो कौन सा है, इस बारे में बात करते हैं। इंटरफेस में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस को एक से ज्यादा एक ही क्लास में, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम एक क्लास में एक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। वही इंटरफेस में हम जितने चाहें इंटरफेस एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हो। अब ये इसमें टॉप अंतर है। ओके दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करें, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।